हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि IRCTC का सर्वर इतना डाउन चल रहा है, इतना ज़्यादा स्लो चल रहा है कि कोई भी लोग अपना नॉर्मल टिकट या तत्काल टिकट बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज मैं खुद एक बार मैं कोशिश कर रहा था नॉर्मल टिकट बुकिंग करने के लिए 10:30 बजे करीब में, जो कि IRCTC का वेबसाइट ऑन नहीं हो रहा था। इसके बाद मैं 11 बजे जस्ट ट्राई करने गया था। 11 बजे का आपको स्टेटस मैं दिखा रहा हूँ, 11:05 हो चुका है। ठीक है, मैं 11:05 के बाद ही मैं अपना ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा था। ठीक है, इसीलिए आपको 11:05 शो हो रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि IRCTC का मैं वेबसाइट ऑन करने का बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, बट IRCTC ऑन नहीं हो पा रहा है। देखिए, डाउन टाइम मैसेज शो हो रहा है, यही एरर आ रहा है। ड्यू टू मेंटेनेंस एक्टिविटी ई टिकटिंग सर्विस इज नॉट अवेलेबल। मतलब जैसे कि मैसेज का मतलब ये है कि आपका जो ई टिकट का जो सर्विस है वो अभी एक्टिवेट नहीं है, उसमें मतलब काम चल रहा है। ठीक है, तो आई टिकट मिला मतलब काउंटर का सर्वर डाउन नहीं होगा, ये आप सिर्फ ऑनलाइन ई टिकट जो लोग बुकिंग करते हैं सिर्फ वो डाउन है। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह, ये पूरा ऑल इंडिया सर्वर डाउन है। IRCTC सर्वर डाउन को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेलवे को ट्वीट करके जानकारी दिया है। ठीक है, और इसके जानकारी देने के बाद में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ट्विटर का रिप्लाई कर चुके हैं। करने के बाद उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही IRCTC का ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सो आई होप कि आप सभी को हमारा ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।